यूपी के मैनपुरी में युवती की गोली मारकर हत्या कर दी गई और किलिंग की आशंका जताई जा रही है। लड़की के पड़ोस के रहने वाले लड़के से काफी समय से लड़की के प्रेम संबंध चले आ रहे थे, जिसका परिवार वाले विरोध करते थे। इसी के चलते हत्या की आशंका जताई गई है। मौके पर पहुंची पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। हालांकि लड़की के पिता ने उसके प्रेमी के खिलाफ ही हत्या का केस दर्ज कराया है। घटना थाना बेवर इलाके के जलालपुर गांव की है। यहां की रहने वाली युवती के पड़ोस के ही रहने वाले लड़के से काफी समय से प्रेम संबंध चले थे, जिसकी लड़की के परिवार वाले विरोध करते थे। कई बार लड़की के साथ मारपीट करने के बाद धमकाया भी गया था। आशंका है कि लड़की के घर वालों ने ही उसकी गोली मारकर हत्या की गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम भेजकर घटना की गहराई से जांच में जुट गई है। पुलिस घटना की सही वजह जानने में जुटी हुई है। होगी बेटी कैसे खत्म हो गई? बेटी शाम को खाना ना खाते उसकी तबियत लेटी थी। बेटी और बेटा मैं जाके अपने मवेशी को निपटा लेटी हुई पूरी थी। फिर सुबह उसकी मम्मी आई तो सुबह इतनी साँकड़ा लगी थी मकान की, तो वो छत से दूसरी छत से निकल गए तो ताला साँकड़ खोला तो बेटी मर गई। पुलिस पहुंची। क्या हुआ? क्या गोली? कैसे गोली लगी? कितने बजे घटना आई है? गोली कितने बजे लगी? मैं तो वहाँ पर दूरी थी लेकिन किसी की आवाज़ ही नहीं सुनी पाई। अच्छा, आपको कैसे पता चला? सुबह तो उठी थी। अच्छा, तो वेपन वगैरह कुछ पास में था? कुछ तमंचा वगैरह मिला क्या कुछ? नहीं। फिर किस पे शक है आपको? गौरव नाम का लड़का है, गाँव का ही है। क्या कोई अफेयर वगैरह चल रहा था लड़की का? साहब मुझे नहीं मालूम, घर वाले बता रहे हैं। क्या कह रहे वो? एक दो साल से उसका कॉन्टेक्ट चल रहा था लड़की का। फिर कोई शिकायत वगैरह थाने में वगैरह की थी आपने? नहीं सर, मुझे मालूम ही नहीं हुआ, बच्चे बता रहे। आप क्या करते हो? आपके बाहर रहते हैं, गाड़ी गाड़ी चलाते बाहर रहते हैं। तो उसके बाद आपने पुलिस को सूचना दी? आज हाँ। कौन कौन पहुँचा? अच्छा, तो क्या कार्रवाई हो रही है? रिपोर्ट हो गई। आपका क्या नाम है? राकेश। बेटी क्या नाम है? कितनी उम्र थी? 16-17 साल। अच्छा, किस गांव में निवासी हो? चलौसा जलालपुर। बीवर थाना क्षेत्र के जलालपुर में एक हत्या कर दी। थाना बीवर के गांव जलालपुर है, वहाँ पर सुबह सूचना प्राप्त हुई थी कि एक लड़की है जिसकी घर में ही मौत हो गई है। इस सूचना पर पुलिस मौके पर गई थी। बॉडी को कब्जे में लेकर के पंचायत कार्य चल रही है। FIR दर्ज कर लिया गया है और जो आरोपी है उसको हिरासत में पूछताछ की जा रही है।